नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले काफी लंबे समय से, तकरीबन 2-2.5 साल से ज्यादा से, कॉन्स्टेंटली ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में और कुछ अन्य जगहों पर पूरी दुनिया कई सारे ऐसे लोग मारे जा रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा, जो ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो केओस क्रिएट कर रहे हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो भारत में या तो आतंकवादी गतिविधि कर चुके हैं या फिर वो की कॉन्स्पिरेटर के रूप में पहचाने गए। तो ऐसे कई सारे लोगों को मार दिया गया है और उनको जिन्होंने मारा है उनके बारे में ज्यादातर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आ रही है। इधर उधर से चुपचुप सी खबरें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। और अल्टीमेटली खास करके जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान मीडिया का और उनके जो अब्बा है जो पाकिस्तान आर्मी है और पूरा जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला जो इकोसिस्टम है, वो ये बताना कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW पाकिस्तान में ऐसे लोगों को हायर कर रही है, किलर्स को हायर कर रही है, और ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि की है उन लोगों को एक एक करके मरवा रहे हैं। अब इसके बारे में कई सारी चर्चाएं हो रही है, कई सारे आकलन लगाए जा रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी मीडिया में, और भारत में भी कई सारी ऐसे न्यूज मीडिया आउटलेट्स और कुछ राजनेता भी ऐसे लगे हुए हैं जो भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस प्रयास में वो लोग भारत के लोगों की छाती और भी फुला रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये जो सभी गतिविधियां हो रही है उसके भी कई सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान आर्मी भी इन्वॉल्व हो सकती है, RNAW भी संभवतः इन्वॉल्व हो सकती है, भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर US की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, खास करके US CIA। लेकिन इन सभी में एक और नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। अभी तक थियरी ये चल रही थी कि RNAW पाकिस्तान में रह रहे कुछ ऐसे लोगों की मदद ले रहा है और उनके जरिए ऐसे लोगों को मरवा रहा है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्टेप फादर है, जो सौतेले अबू यानी कि USA और उसमें भी CIA, उनके पास से एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी आ रही है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भारत तालिबान से मिलकर पाकिस्तान में जो भी कश्मीरी मिलिटेंट्स उन लोगों के ऊपर हमले करवा रहा है, उन लोगों को टारगेट बना रहा है और उन लोगों को मरवा रहा है। थियरी यहां तक आगे चली गई है कि उसमें यह भी बताया, सारा एडम्स ने जो कि CIA की एक ऑफिशियल है, उसने ये भी बताया कि भारत ने इसके लिए $10 मिलियन तालिबान को दिए हैं। अब इसका कोई भी प्रमाण उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से निखिल गुप्ता का केस खड़ा किया गया है गुरु पतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट के बारे में, उसी तरह से ये एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी CIA वाले लेकर आए हैं जिसमें भारत को तालिबान से मिलाया है और अल्टीमेटली तालिबान भारत की मदद कर रहा है कश्मीरी मिलिटेंट्स को रोकने में। सुनिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का पार्ट सायरा एडम्स का, जो कि खुद एक CIA ऑफिशियल है। Son, so he has another brother, Dawood, and India kind of works with Dawood, and they give him money, and it's just kind of like the little things they do with the Baluchis, like the Baluch Liberation Army (BLA) and TTP, and it's like the things they do to poke Pakistan, you know, that crap. So they have that going on, which I knew about. So then I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub, so they went up a step. And then, so it's like, well, what's this $10 million for? What are they doing with it? The $10 million went to fund Gecko Base. You remember Gecko Base? I mean, I've never worked in Gecko Base. But several times. Yes. So you know Gecko Base. I know some of your audience does. So Gecko Base now is the location where Haibatullah, so the supreme leader of the Taliban, that is where his personal security is. So then it's like, okay, the Indian government, or, you know, probably their intel service, is funding Haibatullah's personal security. Now, isn't that weird? Yeah. So, of course, I'm like, this makes no sense. And it's not even tons of money compared to what we're putting in. So I have all these questions, okay? So it's like, what is India getting? And also, really, what's the Taliban getting? Because they don't give a damn about $10 million. So this is going to sound like the craziest thing ever, okay? But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God.
Yeah, I know this leaves so many questions, but yeah, so they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiri militants. They've been killing a bunch of Sikh militants. I don't know anything about the Sikh part. So if anyone's interested in that part, I've only looked at the Kashmiri piece. So yeah, so they're using, they say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and et cetera. So then I was like, well, still, this is really risky for the Taliban. If people find out, you know, like it seems like it could rock the boat. Like they're using their networks. Plus, are the Taliban networks that good to take out senior Kashmiri people? Maybe they're not. So the interesting part is now my theory is India gains what they're gaining, right? They want, these are terrorists that they've, some of these guys they wanted for 30 years. Okay. I went through a list of 18 of them. So the interesting part is I don't know if they're all dead. Some of them, Pakistan could have heard India's coming to kill them and they might have them in a safe house. So there's 18 targeted, okay? And I went through all 18 to make sure I knew who they were, right? Because I've worked Kashmir forever, and to see what group they were. And so I went through all of them and they were the groups you can imagine, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hezbollah Mujahideen. The last one was Al-Badr Mujahideen. Not one of the 18 were from Harakat ul Mujahideen. This matters because Haibatullah, when he was young, he got his religious teaching from a guy named Fazl ur-Rahman Khalil. He founded whom? They're still close friends, and some of the money that goes to Haibatullah from us, he gives to whom in their madrasas. So I have a theory. So the assassinations are happening, Taliban supporting. तो जैसे कि आपने सुना, एक और नई conspiracy theory आ गई है market में, जिसमें भारत तालिबान के साथ मिलकर, यानी कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में उपस्थित जो भी आतंकवादी हैं उन लोगों को मरवा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आपके पास ऐसी कोई और भी कॉन्स्पिरेसी थियरी है जहां पर आप ये बता सकें कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अननोन गनमैन को हायर किया जा रहा है ऐसे पाकिस्तान में उपस्थित आतंकवादियों को मारने, वो हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।